कंधे का ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस सिनारियो में हमें टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट करनी चाहिए या रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट्स करनी चाहिए? यह प्रश्न कई सारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा है। यह एक कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, इसलिए मैं व्यूअर्स से यह एक्सपेक्ट करता हूं कि इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक आप बने रहिए, तो मैं इसके बारे में सारी जो छोटी छोटी बातें हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। देखिए, कंधे का ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत ही रेयर प्रॉब्लम है, बहुत कम देखी जाती है, पर इस केस में कंधे के जोड़ में घिसारा आ जाता है। कंधे का जॉइंट, जो कि एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, उस जॉइंट में इस प्रॉब्लम में घिसारा आ जाता है और जिसके कारण आपको कंधे के मूवमेंट में दर्द हो सकता है, कंधे का मूवमेंट पेनफुल हो सकता है, रात में नींद आने में तकलीफ हो सकती है और जोड़ों में से कड़कड़ की आवाज आ सकती है। इस कंडीशन में रोटेटर कफ के स्नायु नॉर्मल होते हैं और उनमें कोई इंजरी नहीं होती है। जॉइंट सरफेसेस जो है वो आपस में टकराती हैं और उनमें घिसारा हो जाता है। हमने खास तौर पे देखा है कि जिन मरीजों को पोलियो की तकलीफ है या जो स्टिक पे वजन देके चल रहे हैं, वॉकर पे वजन देके चल रहे हैं, उनको यह तकलीफ ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उन कंडीशंस में यह एक वेट बियरिंग शोल्डर हो जाता है। अब अगर यह तकलीफ है, शोल्डर आर्थराइटिस, या कंधे में घिसारे की तकलीफ है, तो इसमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वह शोल्डर रिप्लेसमेंट की सर्जरी है, मतलब कंधे को चेंज करना पड़ता है। अब जब कंधा चेंज करने की बात आती है तो दो तरह के ज्वाइंट प्रचलन में है, पहला टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट और दूसरा रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट ज्यादा पुराना इम्प्लांट है, इसमें जो जॉइंट खराब हो जाता है उस जॉइंट को उसी की तरह रिप्लेस किया जाता है, मतलब सॉकेट जो होता है उसकी जगह सॉकेट आ जाता है और बॉल जो है उसकी जगह बॉल आ जाती है, और इसको हम एनाटॉमिकल शोल्डर रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। तो इसमें जो आपके शोल्डर की जो बायोमैकेनिक्स है सेम टू सेम रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। यह एक सफल सर्जरी है और इसमें पेशेंट को एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, जिसमें वह हाथ ऊपर भी ले जा पाएगा, साइड में भी ले जा पाएगा, अंदर बाहर भी कर पाएगा और उसको दर्द में भी आराम मिल जाता है। तो टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट या एनाटॉमिकल शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी एक अच्छी सर्जरी है कंधे के घिसारे या फिर शोल्डर की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, वैसे वैसे रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट डेवलप होता गया। रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट में जो सॉकेट है उसकी जगह बॉल को हम डाल देते हैं और जो बॉल होता है उसकी जगह सॉकेट को डाल देते हैं, तो इसी कारण से इसको एक रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट का नाम दिया जाता है। अब रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट एक नया जनरेशन का इम्प्लांट है, नई तकनीक का इम्प्लांट है, और आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि एनाटॉमिकल शोल्डर रिप्लेसमेंट जो अच्छे रिजल्ट देता था, उससे भी बेहतर रिजल्ट हमें रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट से मिल रहे हैं। इसके कई कारण है, यह एक नया और आधुनिक इम्प्लांट है, यह जो कंधे की बायोमैकेनिक्स है उसको इम्प्रूव कर देता है, जो डेल्टॉइड मांसपेशी होती है कंधे के ऊपर उसकी ताकत को बढ़ा देता है, तो जो फंक्शन, जो मूवमेंट हम रिवर्स शोल्डर के बाद ले पाते हैं, वह टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट के जो मूवमेंट है उससे कहीं ज्यादा है। तो जैसे कि हम फर्ज करें कि टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट के बाद आपका हाथ इतना ऊपर उठता है, तो रिवर्स शोल्डर के बाद और ज्यादा 20 या 25 डिग्री हम मूवमेंट और पा सकते हैं। तो आज के जमाने में अगर आपको कंधे का घिसारा है तो टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट और रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट दोनों वायबल ऑप्शंस हैं, परंतु रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट आपको ज्यादा बेहतर, ज्यादा प्रिडिक्टेबल रिजल्ट दे सकता है। इसलिए आज के जमाने में, नई जनरेशन में, हम अधिकांश मरीजों को रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं और रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट करके इन मरीजों को हम काफी अच्छा पेन रिलीफ, मतलब दर्द में आराम, और काफी अच्छा फंक्शन, मतलब हाथों का मूवमेंट भी हम दे सकते हैं। नुकसान की बात करें तो एक ही नुकसान रिवर्स शोल्डर का है कि रिवर्स शोल्डर के जो जॉइंट का कॉस्टिंग है वह एनाटॉमिकल टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट की तुलना में 2 से 3 गुना रहता है। तो थोड़ा यह रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट महंगा जरूर है, परंतु जो उसके आउटकम्स हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, वह क्यों, जो कि
टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट की तुलना में कहीं बेहतर है। इसलिए हम आज की डेट में अधिकांश मरीजों के लिए रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट एक बेहतर ट्रीटमेंट के रूप में एडवोकेट करते हैं, रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट और शोल्डर आर्थराइटिस कंधे के किसारे के बारे में आपके जो डाउट्स हैं वह मैं क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपको और कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, और आपको अगर ये तकलीफ है तो अपनी रिपोर्ट हमारे साथ नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।